गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज डेट हमारी 23 जुलाई 2021 है। डे हमारा फ्राइडे है। ये होमवर्कशीट 1 है हमारी। सब्जेक्ट हमारा जीए है, मतलब जनरल अवेयरनेस। आज का टॉपिक है हमारा आवर गवर्नमेंट, जो हमारी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका सिस्टम क्या है और वो हमारे लिए क्या क्या काम करती है, इससे रिलेटेड हम आज टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे। आवर गवर्नमेंट, द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये आप जान लीजिए, जो हमारे जो इंडिया का जो गवर्नमेंट है उसके लेवल्स कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं? 3। इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द एंटायर कंट्री प्रॉपरली। सो द इंडियन गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, एट द लोकल लेवल्स, एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड द एट द नेशनल लेवल। अब आपको तो ये पता ही है कि इंडिया जो एक बहुत बड़ी कंट्री है, और ये पॉसिबल नहीं है कि जो एक ही जो सरकार है वो पूरे कंट्री को अच्छे, मतलब पूरे कंट्री की अच्छे से देखभाल कर सके, उसकी सुरक्षा कर सके। तो हम जो गवर्नमेंट जो है वो 3 लेवल्स पे काम करती है, लोकल लेवल्स, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द लोकल लेवल्स रेफर्स टू योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। अब लोकल लेवल क्या होता है हमारा? आपका कोई गांव, आपका कोई टाउन, या फिर आपके जो आसपास की जो जगह है, जैसे हम कापासेड़ा में रहते हैं, तो फिर ये जो भी हमारा एरिया है तो ये क्या हो गया, ये लोकल लेवल पे आ गया। द स्टेट लेवल कवर्स एन एंटायर स्टेट लाइक पंजाब, केरला, बिहार एक्सेट्रा। स्टेट लेवल क्या करते हैं? स्टेट लेवल में क्या होता है, किसी भी एक स्टेट, माना कि पंजाब है, तो वो जो स्टेट लेवल में क्या होता है, पूरे पंजाब को कवर करेगा। किसको कवर करेगा? पूरे पंजाब को, एक स्टेट को। द नेशनल लेवल रेफर्स टू एंटायर कंट्री। और नेशनल लेवल का होता है पूरी कंट्री, मतलब पूरा देश, जितने भी ऊपरी हमारे देश में काम होते हैं वो। दस आवर गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ। अब हम पढ़ेंगे कि लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल्स में कौन कौन से, मतलब स्टेट्स, कौन कौन सी जगहें आती हैं और कौन कौन से इसके नेम्स हैं, और इनका जो है मतलब ये कहाँ, ये किस जगह बेस्ड होते हैं। जैसे कि अ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, इट इज़ बेस्ड इन द कैपिटल दिल्ली। सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट मतलब पूरे इंडिया की माना इंडिया है। तो अभी इंडिया का हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है। तो वो हमारे क्या हो गए, एक तरीके से वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। क्या होगी? उनकी जो सरकार होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि क्या है वो, क्योंकि वो इंडिया के हर स्टेट पे, हर जगह पे वो नज़र रखती हैं। और इसका जो है मतलब वो, मतलब जगह कहाँ है, ये लोकेटेड कहाँ है, तो दिल्ली में। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट फॉर द डिफरेंट स्टेट्स, दे आर बेस्ड इन स्टेट कैपिटल्स। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होती है, और ये जिस स्टेट में होता है उसी स्टेट के कैपिटल में वो बेस्ड होता है। जैसे कि हमारा दिल्ली है, तो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कौन है, केजरीवाल है। कौन है? केजरीवाल है। तो वो क्या करेगी, वो पूरे दिल्ली की जो है देखभाल करेगी। और वो कहाँ रहते हैं, वो दिल्ली में ही रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो दिल्ली में दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट होकर के किसी और जगह रहते हैं, नहीं ना, वो दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली के लिए ही काम करते हैं। लोकल गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ द इमीडिएट कम्युनिटी, अर्बन एरियाज आर गवर्नमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिल्स, एंड रूरल एरियाज आर गवर्न बाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस सच एज द जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत। अब लोकल गवर्नमेंट में हम देखेंगे, लोकल गवर्नमेंट में जो अर्बन एरियाज होते हैं, मतलब कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं, उसमें जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है या फिर म्यूनसिपल काउंसिल्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, एग्जाम्पल माना, हमारी जो ये सफाई, हमारी ये गाड़ी आती है जो मतलब कूड़ा कचरा उठाने के लिए, तो ये म्यूनसिपल पार्टी की तरफ से ही ये जो है आती है गाड़ी, जो है हमारी, मतलब हमारी गलियां या फिर जो जितना भी कचरा होता है उनको साफ़ करने के लिए। और जितने भी ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इनकी देखभाल कौन करता है, ये म्यूनसिपल पार्टीज़ ही करती हैं। नेक्स्ट, रूरल एरियाज़ में
अब गांव में क्या होता है, पंचायती राज होता है, जिला परिषद होता है और ग्राम पंचायत होते हैं। क्या होता है गांव में, क्या होता है ग्राम पंचायत भी होते हैं, जो कि जो गांव के मुखिया होते हैं वो गांव की देखभाल करते हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। अब सेंटर स्टेट्स के बीच क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट द कंट्री, कंट्री को हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया, मतलब उसको एक सेंटर गवर्नमेंट्स में और एक स्टेट गवर्नमेंट में, मतलब कंट्री को भी गवर्नमेंट, कंट्रीज़ के जो गवर्नमेंट्स होते हैं उनको भी हमने दो भागों में मतलब डिवाइड किया है, सेंटर गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर गवर्नमेंट का क्या काम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल द डिफेंस ऑफ आवर बॉर्डर आवर रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज़। मतलब सेंटर गवर्नमेंट का काम यह होता है कि मतलब जो भी हमारे देश की रक्षा कैसे किस तरीके से करनी है ये बताना होता है। जैसे फौजी क्या होते हैं, फौजी हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो इनकी देखभाल कौन करता है, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और हमारे रिलेशनशिप दूसरे कंट्रीज़ के साथ कैसा है वो भी यही देखती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेटिंग द पीपल एंड लुकिंग आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर इन डिफरेंट स्टेट्स। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो है मतलब लोगों की शिक्षा, मतलब स्टेट में जो लोग रहते हैं उनकी शिक्षा, उनकी देखभाल, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं ये सब स्टेट गवर्नमेंट ही देखती है। अब स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट है चूज़ द करेक्ट आंसर, आपको जो है इन ऑप्शंस में से सही आंसर चूज़ करना है। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू डैश स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरिटरीज। इंडिया में जो है कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 29 स्टेट्स और 8 जो है हमारे यूटी हैं। क्या है, 29 स्टेट्स और 8 जो है यूटी हैं। हाउ मैनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कितने लेवल्स है, तो 3 मैंने आपको पढ़ाया था। इंडिया इज़ अ डैश कंट्री, इंडिया कैसी कंट्री है, एक ह्यूज कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है। स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड इन द डैश कैपिटल, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ बेस्ड होती है, तो स्टेट कैपिटल, कहाँ पे स्टेट कैपिटल। फिलिंग द ब्लैंक्स, द लेवल्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, कितने लेवल्स होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के, तो 3, कितने 3। इंडिया इज़ अ डैश कंट्री, इंडिया कैसी कंट्री है, ह्यूज, बहुत बड़ी। गवर्नमेंट वर्क्स एट डैश लेवल्स, गवर्नमेंट जो है मतलब कौन कौन से लेवल, डिफरेंट लेवल्स पे जो है काम करती है। अब वो एक ही लेवल पे थोड़ा काम करेगी, वो डैश गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एंटायर मतलब पूरे देश के लिए होती है। स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड इन द स्टेट कैपिटल, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ बेस्ड होती है, तो स्टेट कैपिटल में, स्टेट के कैपिटल में। डैश इज़ द एग्जांपल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, इसमें से कौन सा एग्जांपल है लोकल गवर्नमेंट का, तो ग्राम पंचायत। नेक्स्ट राइट ट्रू और फॉल्स, टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स, मतलब ट्रू के लिए टी लिखना है, फॉल्स के लिए एफ। सिंगल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द एंटायर कंट्री प्रॉपरली, क्या एक गवर्नमेंट पूरे कंट्री की देखभाल कर सकती है, फॉल्स, गलत है ये। द लोकल लेवल रेफर्स टू योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी, जो लोकल लेवल होता है गवर्नमेंट का, क्या वो विलेज और टाउन और लोकेलिटी को देखती है, तो ट्रू। अ स्टेट गवर्नमेंट इज़ फॉर अ एंटायर कंट्री, स्टेट गवर्नमेंट का पूरी कंट्री के लिए होती है, फॉल्स। डिफेंस ऑफ आवर बॉर्डर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स वर्क, सही, ट्रू होगा ये। पंचायती राज, ग्राम पंचायत आर एग्जाम्पल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ट्रू। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको इन सब के आंसर देने हैं। हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद। हु इज़ द फर्स्ट PM ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, जवाहरलाल नेहरू। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, राइट देयर नेम्स, हमारे जो गवर्नमेंट है इंडिया की उसमें कितने लेवल्स है, तो 3 लेवल्स है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। ये हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।